बीते 5 दिनों से कोटा में टीकाकरण नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोटा के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। जयपुर से कल देर रात कोटा को वैक्सीन की बड़ी खेप मिली है और आज फिर से कोटा शहर में टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन लगाने का कार्य चालू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। कोटा में बीते 5 दिन से वैक्सीन खत्म हो चुकी थी मगर आज कोटा को वैक्सीन की नई खेप मिली है और हम खड़े हुए हैं दादाबाड़ी डिस्पेंसरी के टीकाकरण केंद्र पर। टीकाकरण केंद्र की साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी है क्योंकि लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं मगर वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर सिस्टम कोई भी उपलब्ध नहीं है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लोग दीवारों पर बैठे हुए हैं, अपनी गाड़ियों पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम वैक्सीन लगाएंगे। बीते 5 दिनों की बात कही जाए तो बीते 5 दिनों से लोग टीकाकरण केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं और चक्कर काटने के साथ ही लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। कुछ लोगों से ही बात करना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैसेज दे रहे हैं कि सेकंड डोज लगाओ पर डोज नहीं मिल रही। टोकन की क्या व्यवस्था कर रही है? टोकन की तो पता नहीं, टोकन किसी को दिया? मेरा 61वां नंबर है और 8:30 बजे से खड़ा हूँ। अब वहाँ ठेठ पहुँच गया, वहाँ जाते 61 में उन्हें की जना आपका डोज खत्म होगी, 40 ही आएगा सेकंड डोज, तो ये 30-30 भी आई होगी वो दोनों में, तो और बाकी की डोज कहाँ गई? बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वैक्सीन लगाने वाले लोग तो ज़्यादा हैं मगर डोज काफ़ी कम आ रही है और डोज काफ़ी कम आने के कारण इस तरह की अव्यवस्था यहाँ पर फैल रही है। अंदर केंद्र पर भी बात करना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है, किस तरह की सर ये व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की गई है? आज 200 डोज हमें वहाँ से दी गई है DVS से, ठीक है सर, जिसमें 160 डोज फर्स्ट डोज है जिसमें 18 से अबव जितनी भी एज ग्रुप है और 40 डोज दी गई है सेकंड डोज जिसमें फॉरेन टूरिस्टर भी साथ में शामिल हैं। वैक्सीन की कमी होने के कारण आज ये दिक्कत आई है। बिल्कुल साफ तौर पर वैक्सीन की कमी होने के कारण इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मगर कुछ लोग वैक्सीन केंद्र के अंदर मौजूद है और वैक्सीन केंद्र के अंदर यहाँ पर सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। जिन लोगों का यहाँ पर नंबर आना है वो लोग यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद में अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ये कुछ कहना नहीं चाहते मगर किसी और से ही बात करना चाहेंगे, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या तो नहीं है, पहली डोज लग रही है बढ़िया से, दिक्कत ये दूसरी डोज में मालूम कम आया, उस चक्कर में लफड़ा हूँ। बिल्कुल लोगों का कहना है कि पहली डोज लोगों को लग रही है और सेकंड डोज में लोगों को यहाँ पर दिक्कत जरूर आ रही है। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। डोज के लिए काफ़ी क्रेज है युवाओं, 18+ के युवाओं को भी वैक्सीन लग रही है, इसको किस तरह से देखते हैं और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और काफ़ी मुसीबत आ रही है। बिल्कुल समस्या ये है कि एक तो गर्मी का दौर जारी है और गर्मी के दौर के साथ ही यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर टीकाकरण केंद्रों पर जुटती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया।